अरे बाप रे गाइस, ये मेरा घर इतना ज्यादा हिल क्यों रहा है भाई? और बेड भी हिल रहा है, ऐसा लगता है भाई आसपास भूकंप आ रहा है। कहीं मेरे घर पर ही तो भूकंप नहीं आ रहा? अरे बाप रे, बंद हो है। एक मिनट, ये तो मेरा बेड है ही नहीं और ना ही मेरा घर है यहाँ पर। मैं तो किसी ट्रेन, ओ भाई साहब ये तो बुलेट ट्रेन है। मैं ट्रेन के ऊपर क्या कर रहा हूँ? जहाँ तक मुझे याद है, रात में अच्छे से अपने ही बेड पर सोया था और लेट रात सोया था, इसलिए लेट उठा भी हूँ। लेकिन मैं उठा कहाँ पर? अरे बाप रे, ये ट्रेन इतनी ज़्यादा तेज क्यों चल रही है? अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये बुलेट ट्रेन है, और बुलेट ट्रेन तो गाइस बुलेट ट्रेन की ही तरह चलती है। भाई साहब ये ट्रेन कितनी लंबी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो थक गया भागते भागते। गाइस मुझे जल्दी से इस ट्रेन के ड्राइवर को, पायलट तो प्लेन में होता है, मुझे जल्दी से ट्रेन के ड्राइवर से बोलना होगा भाई वो जल्दी से ट्रेन को रोके और मेरे को नीचे भेजे। हेलो ड्राइवर साहब, प्लीज ट्रेन को जल्दी रोक दीजिए, मैं पता नहीं गलती से इस ट्रेन के ऊपर आ गया हूँ। हैं गाइस, ड्राइवर तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। मुझे लगता है शायद मुझे यहाँ पर ड्राइवर को उठाना पड़ेगा। सो गया क्या भाई? अरे गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। नहीं, ये बुलेट ट्रेन के ऊपर कैसे सोकर उठा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पर किसने रख दिया भाई? बुलेट ट्रेन के अंदर होता तो भी बात चलती, मैं ट्रेन के ऊपर हूँ, कोई टनल बनल आ गई तो मेरा क्या होगा। एक काम करता हूँ, ट्रेन को रोकने के लिए आगे बॉम्ब फेंकता हूँ, फिर तो ड्राइवर को ट्रेन रोकनी पड़ेगी। रोक ले। ओह नो, ट्रेन पर तो भाई बॉम्ब्स का भी असर नहीं हो रहा। देखिए मैं यहाँ पर बॉम्ब फोड़े जा रहा हूँ, लेकिन ट्रेन की रुकने का नाम ही ले रही है। अरे बाप रे, बुलेट ट्रेन वाले भैया प्लीज बुलेट ट्रेन को रोक ले, मुझे नीचे जाना है। अरे बाप रे गाइस, मैं तो यार बुरी तरह से फंस गया यहाँ पर, कोई बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प मी गाइस। अवेंजर से बोलो कि मैं ट्रेन पे फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। अरे बाप रे, रात तो भाई बहुत लेट, रात तक मैंने फ्रैंकलिन की नई कार पे काम किया था, उसकी वजह से बड़ी लेट उठाऊँ मैं। अरे हाँ गाइस, मुझे आप सभी को बताना था, फ्रैंकलिन की जो कार है बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, इसलिए मैंने फ्रैंकलिन के लिए आज कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है, और मुझे लगता है वो सरप्राइज़ बिगड़ ना जाए। अभी तक कहीं फ्रैंकलिन अपनी जॉब वॉब पे ना चला गया उठकर। मेरा प्लान था सुबह सुबह फ्रैंकलिन सोकर भी उठेगा, उसके लिए कार सामने ला के रख दूंगा। अरे अवेंजर्स, तुमने अभी तक यार इस कार को अच्छी तरह से पैक नहीं कराया। अरे कार को पैक कराएंगे तो गंदी हो जाएगी, ये कार इतनी खूबसूरती है कि इसकी खूबसूरती को दबाना बुरा होगा। बिल्कुल सही कहा, अरे बहुत प्यारी कार है, हल्क ने तो चला के भी देख ली। अरे तुमने चला के भी देख ली? मैं भी तो देखूं, रात बड़ी मेहनत से मैंने इसको मोड़ी। और अरे बाप रे, नई कार पर डेंट पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। गाइस बड़ी प्यारी कार चल रही है यार, कितनी सही स्मूथ है। वाह, और गाइस सबसे अच्छी बात, ये कार ऑटोमेटिक है, इसमें गियर की कोई चिंता ही नहीं है भाई, जितनी भगानी है भगाओ, बस हैंडलिंग का ध्यान रखो। मैं तो सोच रहा था फ्रैंकलिन की ऑटो ड्राइव वाली कार बना दूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, फ्रैंकलिन फिर कुछ ज़्यादा ही आलसी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत तो काम करना चाहिए ना उसको खुद भी। अवेंजर्स कैसी लगी कार? कसम बहुत बढ़िया लगी, मैंने भी चला के देख ली। अरे इन सब ने मुझसे पहले ही कार चला के देख ली। अच्छा चलो जल्दी से काम करते हैं, इस कार को जल्दी से भाई अपने बड़े वाले ट्रक पे पिकअप कर लेते हैं और यहाँ से इसको उठा के लेके जाएंगे, ठीक है, और सीधा फ्रैंकलिन के घर पे पहुँचेंगे और उसको सरप्राइज देंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रैंकलिन घर पर ही हो। गाइस फ्रैंकलिन घर पर तो है ना? है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए, ऐसे तो घर पर ही होगा। उसकी तो जॉब भी ऐसी उल्टी सीधी है, वो कहाँ जॉब पर जाता है काम करने ठीक से। हल्क को तो मजे आएंगे, एक दिन हल्क को भी ऐसी बर्गर वाली कार मिलेगी। अरे हल्क तेरी कार तो ये मिलती रहेगी, पर आज तो फ्रैंकलिन के मजे हैं, फ्रैंकलिन को इतनी स्पेशल कार दे रहा हूँ मैं। वाह आज तो रोड भी खाली है भाई, फिर भी कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा हमें फ्रैंकलिन के घर पर पहुंचने तक। फाइनली गाइस, आधा नहीं एक घंटा लग गया भाई फ्रैंकलिन घर पे पहुंचने तक, बीच में इतना ट्रैफिक जैम मिल गया था। बिल्कुल सही कहा, अगली बार बुलेट ट्रेन से जाएंगे घर पे। बात तो तूने सही की डॉक्टर स्ट्रेंज, भाई मैं तो रोडों से पक गया हूँ, बुलेट ट्रेन एक सेकंड में पहुंचा दी थी इधर से उधर हमें। खैर अब जब फ्रैंकलिन घर पे आ गए तो चलो जल्दी से फ्रैंकलिन को बुलाया जाए। फ्रैंकलिन, अरे सिंचन बिंचन चौप जरा बाहर तो आओ भाई, अरे कुछ खतरनाक चीज आई है तुम लोगों के लिए। अरे जल्दी बाहर आओ, कहाँ पर हो? ये फ्रैंकलिन भैया कहाँ चले गए? इतना परेशान नहीं होना, वो यहीं कहीं होंगे। वो भाई ये कलवा हमको छोड़ के तो नहीं भग गया? अरे ये बच्चे इतने सैड क्यों लग रहे हैं मुझे? अरे बच्चे लोग क्या हो गया? अरे सुबह कुछ खाने पीने को नहीं मिला क्या? हाँ बिल्कुल, सुबह से भूखे पड़े फ्रैंकलिन भैया, पता नहीं कहाँ चले गए। वो कलवा रात तो भाई बहुत लेट सोया था टीवी देख के, उसके बाद से पता नहीं कहाँ चला गया। व्हाट, वो अपने घर पर नहीं सोया था, कहीं और जाके सो गया क्या? हे, हमने सोचा वो आपके घर पर ही, इसलिए तो मैं सिंचन को दिलासा दे रहा था, लेकिन आपको भी नहीं पता क्या फ्रैंकलिन भैया कहाँ है? अरे ये भी तो हो सकता है तुम लेट उठे हो सोकर, वो चिंता की वजह से सुबह सुबह जॉब पर निकल गया हो। क्या बोलते हो भाई? हो यही होगा ना? अरे बिल्कुल सही कहा,
एक काम करते हैं, आसपास पड़ोसी से पूछते हैं। अरे गाइस, ये ट्रेन पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ घुमा रही है, मेरे शहर से मुझे कितनी दूर ले आई, मैं अपने घर कैसे वापस जाऊँगा, मैं पता नहीं कौन से शहर में आ चुका हूँ। यहाँ पर यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और भाई साहब इंसान का नामो निशान भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। कुछ इंसान दिख रहे हैं तो वो मेरी सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये ट्रेन इतनी तेज चल रही है कि मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहा। ऊपर से मैं तो यार अब थकने भी लगा हूँ, मुझे भूख प्यास भी लगने लगी है, मेरा सुबह का नाश्ता तक नहीं हुआ। हेलो भाई, हेलो हेलो, अरे ट्रेन को रोक दो, कोई कोई सुन ही नहीं रहा यार, मैं क्या करूँ, अवेंजर्स कहाँ पर है समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार मेरे को तो मजे आ गए, पूरी बुलेट ट्रेन को चोरी कर लूंगा। एक मिनट, ये किसकी आवाज़ है? अरे ये तो ब्लैक फ्रैंकलिन की आवाज़ है गाइस, आपको भी ब्लैक फ्रैंकलिन की आवाज़ सुनाई दी ना, जल्दी से जाके देखते हैं पीछे। अरे बाप रे, एक मिनट, वो देखिए सामने कोई तो खड़ा है, मुझे लगता है मेरी तरह ब्लैक फ्रैंकलिन भी बुलेट ट्रेन पे फंस गया है। अबे क्या बकवास कर रहा है, मैं कोई बुलेट ट्रेन पे नहीं फंसा, ना तो इस बुलेट ट्रेन को लूटने आया हूँ। तो पागल हो गया है क्या, इसकी स्पीड तो देख, लूटने के चक्कर में भाई तू ही लूट जाएगा। प्लीज ब्लैक फ्रैंकलिन, तू जिस तरह से इस ट्रेन पे आया है तू वापस भी जा सकता है क्या? अरे हाँ, मैं तो आराम से अपने काले जादू का इस्तेमाल करके जा सकता हूँ। क्या? प्लीज अपने काले जादू का इस्तेमाल करके मेरे को भी मेरे घर पे भेज दे। ऐसे कैसे भेजूं, बदले में तेरे को मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, मेरे को बहुत भूख लगी है, जल्दी मेरे लिए बर्गर लेके आ। बर्गर? अरे मैं बर्गर कहाँ से लेकर आऊँ? आई थिंक गाइस ट्रेन के किसी डब्बे में बर्गर की कोई शॉप हो, मैं वहाँ से ट्रेन पे से उस बर्गर को ले आऊँ और इस ब्लैक फ्रैंकलिन को खिला दूँ, बात तो सही रहेगी। लेकिन अगर मैंने ब्लैक फ्रैंकलिन की शर्त पूरी की तो बदले में भाई ये मुझे मेरे घर भेज देगा। चलो एक काम करते हैं, इस ट्रेन के हर एक डब्बे को चेकआउट करते हैं और पता करते हैं भाई बर्गर की शॉप कहाँ पर है। अभी तक तो मुझे कोई बर्गर, अरे वो भाई साहब तो बारबेक्यू मशीन है, ऐसी मशीन गाइस मेरे घर पर भी रखी है एक, देखता हूँ यहाँ पे। अरे वाह, लगता है अरे 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 बाप रे यार, इतनी तेज़ हवा चल रही है मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। लगता है गाइस यहाँ पे बर्गर वाला तो शायद जाके भाई नीचे फ्रेश फ्रेश होने गया है और बर्गर ऐसे ही छोड़ के चला गया है। मैं काम करता हूँ, जल्दी से इन बर्गर को थोड़ा बहुत सेक लेता हूँ, उसके बाद ब्लैक फ्रैंकलिन को पैकेट में दे देंगे। ओके गाइस, यहाँ पे चार बर्गर थे, मैंने चारों ले लिए, अब जल्दी से काम करता हूँ, ब्लैक फ्रैंकलिन को सारे बर्गर देता हूँ, अगर उसका पेट भर गया, कुछ बर्गर बच गए तो मैं भी खा लूँगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। बट मुझे फिलहाल घर पे जाना है, मेरे लिए वो ज़्यादा जरूरी है, मैं घर पे जाके कुछ खा लूँगा, इसलिए सारे बर्गर ना हम ब्लैक फ्रैंकलिन को ही दे देते हैं। ओ भाई ब्लैक फ्रैंकलिन, अब इतना टाइम क्यों लगा दिया, भूख से मरा जा रहा हूँ मैं, और मुझे 10 बर्गर की भूख है। 10 बर्गर की? अरे मेरे पास तो सिर्फ 4 बर्गर हैं भाई, ले मैं ना इसको पैकेट में पैक करके लाया हूँ सारे बर्गर को, जिससे कि ठंडे ना हो जाए। ले तू जल्दी से बर्गर खा ले और प्लीज़ यार अपने जादू का इस्तेमाल करके मुझे मेरे घर पे भेज दे भाई, मैं तंग आ गया हूँ यार, इतनी ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करने से मेरे को उल्टी सुलटी हो जाएंगी, प्लीज़ जल्दी कर ले। अच्छा ठीक है ठीक है, रुक पहले मेरे को बर्गर खाने दे, मेरे को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। अब मैं कोल्ड ड्रिंक कहाँ से लाऊँ यार, मैं खुद प्यासा हूँ सुबह से, जल्दी बर्गर खा ले वरना ये भी ठंडे हो जाएंगे। अच्छा ठीक है ना, नम 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 नम, और मजा आ गया बर्गर खा के तो, और चल ठीक है मैं अपने जादू का इस्तेमाल करके मैं तुझे सीधा हवाई अड्डे पे भेज रहा हूँ, तू वहाँ से सीधा अपने घर पे टपक जाएगा। अच्छा ठीक है, पता नहीं गाइस ये ब्लैक फ्रैंकलिन सा कौन सा जादू यूज करेगा जिससे कि मैं यहाँ से उड़ के सीधा मेरे घर जाऊँगा। ओ माय गॉड, ये क्या, अरे अरे ये क्या हो गया भाई, अरे मैं तो वापस से भाई बुलेट ट्रेन के ऊपर ही आके गिर गया। नहीं, ब्लैक फ्रैंकलिन का जादू काम नहीं किया, मैं इस ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा उल्लू बनाया क्या, मेरे को वापस से बुलेट ट्रेन पे ही फेंक दिया। अरे यार सारे पड़ोसियों से पूछ लिया लेकिन भाई कोई नहीं बता रहा कि फ्रैंकलिन कहाँ पर है। अजी मिश्रा अंकल जो रह गए उनसे पूछ के देखिए। और हाँ, मिश्रा जी तो कुछ ज़्यादा ही खबर रखते हैं फ्रैंकलिन के घर की। गाइस अब तो मिश्रा जी से ही पूछना पड़ेगा कि असल में फ्रैंकलिन गया कहाँ पर। तुम लोग यहीं रुको, मैं पूछ कर आया मिश्रा जी से, क्या पता उन्होंने सुबह सुबह फ्रैंकलिन को कहीं जाते देख लिया हो। अरे हल्क भी आ रहा है, उठी कुसुम, मैं भी आ रहा हूँ। ऑलराइट, मिश्रा जी का घर कहाँ था? ये तो फ्रैंकलिन का ही गैराज है। अरे वो रहा मिश्रा जी का घर। अरे आज तो मजे ही आ गया। अरे मिश्रा जी सब बढ़िया? अरे बढ़िया बढ़िया, कैसे हुआ विंजर, इतने दिन से दिखाई नहीं दिया है फ्रैंकलिन घर। अरे असल में कुछ हम सरप्राइज रेडी कर रहे थे फ्रैंकलिन के लिए। अच्छा वैसे आपने फ्रैंकलिन को कहीं जाते हुए देखा था? अरे हाँ, सुबह सुबह फ्रैंकलिन किसी गाड़ी पे सोता हुआ जा रहा था और कुछ लोग उसको उठा के ले जा रहे थे गाड़ी में, मैंने सोचा फ्रैंकलिन ने कुछ गलत काम कर दिया उसको लेके जा रहे हैं। व्हाट, फ्रैंकलिन सुबह सुबह सोता हुआ गाड़ी पे जा रहा था? गाइस फ्रैंकलिन को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया भाई, ये क्या चल रहा है? गाइस अगर फ्रैंकलिन किसी मुसीबत में है तो आप लोग प्लीज कमेंट में यस लिखिए, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे अब तो हम कैसे पता करेंगे फ्रैंकलिन के बारे में, हमें उसके लिए स्टार्क मेंशन पहुंचना होगा, बट अगर हम बाय रोड स्टार्क मेंशन गए तो भाई आधे से 1 घंटा लग सकता है, आज शहर में बहुत ट्रैफिक जैम है। आइडिया, हमें काम करते हैं ट्रक से सीधा बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे चलते हैं, वहां से बुलेट ट्रेन पकड़ेंगे और बुलेट ट्रेन में 1 मिनट के अंदर भाई हमारे घर पर पहुंचा देगी और वहां से हम फ्रैंकलिन को मेरे स्पेशल टेक्नोलॉजी वाले डिवाइस से ट्रैक कर पाएंगे कि फ्रैंकलिन लास्ट लोकेशन कहां थी उसकी। भाई जल्दी करो एवेंजर्स,
भाई ये कार किसकी है? अरे ये कार तुम्हारी ही है भाई, तुम्हारे लिए ही लाए थे। क्या, लेकिन क्या फायदा, फ्रैंकलिन भैया तो है ही नहीं, अब इस कार को चलाएगा कौन? वो मैं चला लूंगा, मुझे छोड़ दो यहीं पे। अरे चुप कर, पहले फ्रैंकलिन को ढूंढना जरूरी है, बाद में कार के बारे में बात करेंगे। अरे यार गाइस, ट्रेन स्टेशन तो काफी दूर है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम ट्रेन को यहीं से पकड़ के स्टार्क मैंसन के रास्ते पे उतर जाएं। बात तो बिल्कुल सही कही, एक काम करते हैं, ट्रेन कुछ टाइम में आती होगी यहाँ से जल्द ट्रक को यहीं ट्रेन के बीच में लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो भाई ट्रेन हमारे ही ट्रक को उड़ा के चली जाएगी। हम एक काम करेंगे, जैसी ट्रेन आएंगे ट्रेन ड्राइवर को हाथ दे देंगे और मैं ट्रेन ड्राइवर अपने ऊपर ले लेगा भाई। हे हे कि भैया ठीक तो होंगी ना? मुझे खुद नहीं पता फ्रैंकलिन को कौन सुबह सुबह किडनैप करके ले गया। मैं कैमरे से देखता हूँ, ट्रेन का तो कोई नाम और निशान नहीं है गाइस, दूर दूर तक पटरी भी नहीं हिल रही है, मतलब ट्रेन कम से कम 10 किलोमीटर दूर है अभी भी। अरे तो दिक्कत है, हमें दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अब क्या करें, अरे काम करते हैं ना, सीधा ट्रेन स्टेशन चलते हैं। बात तो सही कही, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, सीधा ट्रेन स्टेशन चलते हैं, ट्रेन मास्टर से बोलेंगे वो हमारे लिए इमरजेंसी में कोई बुलेट ट्रेन बुलाए और हमें स्टार्क मैंसन पहुंचाए। हमें जल्द से जल्द स्टार्क मैंसन पहुंचना ही पड़ेगा, तभी हमें फ्रैंकलिन के बारे में कुछ पता चल पाएगा। बिल्कुल सही कहा, चलो तो फिर किस बात का इंतजार है, जल्दी ट्रक में बैठते हैं और ट्रेन स्टेशन की तरफ निकलते हैं। चलो 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 अवेंजर, जल्दी बैठो। हल तो घुस गया, मैं तो पहले दिन नहीं उतरा था, मुझे पता था ट्रेन नहीं आएगी। चलो जल्दी चलो, पूरी स्पीड में चलो। ऑलराइट, ट्रेन स्टेशन बस कुछ ही मिनट की दूरी पर है, हम पहुंच ही जाएंगे। एक तो भाई हम लोग इतने सारे हैं गाइस के ट्रक भी बेचारा ठीक से चल नहीं पा रहा है, 30-40 की स्पीड पे रैंग रैंग के चल रहा है ये। अब तो मुझे सुपर बूस्टर मार के इस ट्रक को आगे भगाना ही पड़ेगा। अरे टोनी, बस ट्रेन स्टेशन आने वाला है, थोड़ा आराम से चला है, मेरा दिल धक 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 कर रहा है। फाइनली गाइस हम ट्रेन स्टेशन पे आ चुके हैं, आज ट्रेन स्टेशन में भी लोग नहीं है भाई, क्या हो रहा है ये, ट्रेन कहाँ गई सारी, यहाँ तो एक दो ट्रेन खड़ी रहती हैं हमेशा के लिए। वो भाई लगता है सारी ट्रेन बिजी हैं, वो कलवा कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रेन का इस्तेमाल कर कहीं भाग गया हो? ऐसी बातें कर रहा है चौप तू, हमारा फ्रैंकलिन कहीं नहीं जाएगा। हल्क जाके पूछता है ट्रेन मास्टर से, रुको रुको मैं जाके पूछता हूँ, और ट्रेन मास्टर से मेरी अच्छी खासी जानकारी है, मैं जाके उससे पूछता हूँ कि भाई नेक्स्ट ट्रेन कब मिलेगी हमें स्टार्क मैंसन के लिए। अरे ट्रेन मास्टर, अरे मैं तो बर्बाद हो गया भैया, ये क्या हो रहा है, हमारा तो सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। एक मिनट भाई, ये ट्रेन मास्टर तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है, ट्रेन मास्टर क्या हो गया? अरे आज सुबह से जितनी भी बुलेट ट्रेन यहाँ से निकली थी वो वापस नहीं आई, ट्रेन पता नहीं कहाँ चली गई है, लगता है ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। व्हाट, बुलेट ट्रेन जितनी भी स्टेशन से सुबह निकली थी वो वापस नहीं आई? बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं है गाइज बुलेट ट्रेन ही लोगों को किडनैप कर रही है, कहीं फ्रैंकलिन को भी बुलेट ट्रेन ने किडनैप तो नहीं कर लिया? गाइज अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज कमेंट में यस लिखिए, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई तो कनेक्शन इस बुलेट ट्रेन का और फ्रैंकलिन का। अगर ट्रेन यहाँ नहीं आई और ना ही यहाँ पर लोग हैं, दैट्स मीन फ्रैंकलिन की तरह और भी लोग बुलेट ट्रेन में किडनैप हो चुके हैं। भाई साहब मुझे तो लगता है चोरों ने बुलेट ट्रेन को ही एक्वायर कर लिया है चोरी करने के लिए। अवेंजर्स हमें जल्द से जल्द बुलेट ट्रेन के बारे में पता करना होगा। अरे हल्क को ऐसा क्यों लग रहा है बुलेट ट्रेन हमारी तरफ ही आ रही है, है? इसका क्या मतलब है? हाँ, ट्रेन की पटरी हिल रही, देखो मैं भी हिल रहा हूँ। अरे बहुत तो सही कही, एक मिनट रुको, देखना पड़ेगा भाई ये बुलेट ट्रेन आ किधर से रही है, जल्दी से चलो ट्रक में बैठो। मेरे हिसाब से बुलेट ट्रेन हमारे 1 से 2 किलोमीटर दूर के दायरे में ही होगी। ट्रेन की कसम, अरे ये क्या हो रहा है, अरे आपसे बुलेट ट्रेन कब से किडनैप करने लगी लोगों को? चलो चलो जल्दी चलो, हमें फ्रैंकलिन भैया को ढूंढना ही होगा। गाइस बड़ी मुसीबत है यार, आप लोग प्लीज फ्रैंकलिन को बचाने के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब। कहाँ से आवाज आ रही है? वो भाई मुझे सुगंध आ रही है कलवे की, वो कलवा हमारे आसपास ही है। व्हाट, अगर ट्रेन के आसपास से आ रही है सुगंध तो दैट्स मीन गाइस पक्का फ्रैंकलिन बुलेट ट्रेन पर ही है, उसको कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब तो सुपर बूस्टर से भाई ट्रक को ले जाना पड़ेगा। वाह भाई वाह, चलो 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 चलो, कमोन कमोन कमोन। अरे बाप रे टोनी भैया, देखिए देखिए सामने बुलेट ट्रेन आ रही है। और ये क्या, अरे 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 जरा ध्यान से देखो उसमें फ्रैंकलिन है क्या? वाह भाई कलवा, वाह कलवा है उसके ऊपर, अरे मुझे बचाओ कोई प्लीज। अरे कहां पर है, मुझे तो दिख नहीं। अरे ये रहा फ्रैंकलिन, ओ फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है तू वहां पर? ओ नो, ये क्या हो गया, अरे हमें जल्दी से बुलेट ट्रेन को रुकवाना पड़ेगा। यार ये ट्रेन का ड्राइवर कहाँ किडनैप करके ले जा रहा है मेरे भाई को, और पूरी की पूरी बुलेट ट्रेन ही हाईजैक कर ली। चलो पूरी स्पीड में। ओ नो यार, हमारा ट्रक तो बड़ा स्लो है इस बुलेट ट्रेन के सामने, सुपर स्पीड बूस्टर लगाना पड़ेगा तभी इस ट्रेन को हम पकड़ पाएंगे। अरे हल्क को चलाने दे ट्रक को, अरे ट्रक को हवा बना के उड़ाएगा हल्क, तब बुलेट ट्रेन का पीछा करेगा। अरे हट जाओ भाई, अरे हट जाओ, अरे भैया रॉन्ग साइड ट्रक चला रहा है, रॉन्ग साइड, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। अरे हटो भाई, इमरजेंसी है, पूरी की पूरी बुलेट ट्रेन हमारे भाई को उठा के ले जा रही है। अरे यार यहाँ से शॉर्टकट मारना पड़ेगा, कमोन कमोन कमोन। वो भाई टोनी जानते हैं, बट तू कलवे के चक्कर में हमारी बैंड मत बजा दियो। अरे अरे भाई साहब,
मुझे बुलेट ट्रेन को रोकना पड़ेगा। अरे अरे नहीं, अरे बाप रे टोनी, वह बुलेट ट्रेन है ना कि कोई छोटी सी बुलेट के, तो उसको रोक ले। हल्क तो यहाँ पर पागल हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है। अरे रोको, मुझे जल्द से जल्द ट्रेन को रोकना होगा। अरे भाई साहब, ट्रेन स्टेशन वाले ट्रेन मास्टर, अरे बुलेट ट्रेन को रोक भाई, ट्रेन आ रही है। अरे यार मुझे लगता है गाइस ट्रेन मास्टर के कंट्रोल में नहीं है, देखिए ट्रेन यहाँ से निकल रही है। नहीं 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 नहीं, मैं ट्रेन को रोक के रहूंगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्रक को लगा देता हूँ। ए ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन रोक। भाई पापा तू मरवाएगा टोनी। अरे पलटा दिया रे भैया, उठी की कसम क्या करवा दिया ये। बाप रे, ये क्या हो रहा है फ्रैंकलिन भैया? देखिए मुझे आ रही फ्रैंकलिन भैया। अरे यार ये क्या चल रहा है भाई। अरे हमारा पूरा का पूरा ट्रक पलटा गया, लेकिन भाई वो ट्रेन को तो लिटरल में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लगता है गाइस ट्रेन ड्राइवर को पक्का किसी ने किडनैप कर लिया है, और ट्रेन को किसी ने पूरी की पूरी हाईजैक कर लिया है। कोई तो इस ट्रेन को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि ये ट्रेन शहर से बाहर जाए, हमें इसे रोकना पड़ेगा। अरे हल्क तो बोलता है बॉम्ब से ट्रेन को उड़ा देते हैं। अरे ऐसा करेंगे तो ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स भी मारे जाएंगे, और फ्रैंकलिन भी, हमें ट्रेन के ऊपर जाके ट्रेन के इंजन पर कंट्रोल लेना होगा। ये आइडिया सही है। अरे बाप रे यार, बातों में इतना मगन हो गया, ट्रेन का बाकी पता ही नहीं चला। तो अब हम क्या करें? मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। देखो अभी मैं ट्रक के ऊपर आ चुका हूँ, और तुम लोग ना ट्रक को ट्रेन के बिल्कुल इंजन के पास ले जाने की ट्राई करो। अरे उसका इंजन बहुत दूर है, तो एक काम करो ट्रेन के पीछे वाले डब्बे पे ही बस ट्रेन को लगा दो, मतलब इस ट्रक को साइड कर दो। मैं इसके ट्रक के छत के ऊपर से जंप लगाऊंगा, और भाई ट्रेन के इंजन तक बहुत ही कोशिश करूंगा। ट्रेन का इंजन एक बार मेरे कंट्रोल में आ गया तो हम पूरी ट्रेन को रोक देंगे, और फ्रैंकलिन से पूछ लेंगे उसकी क्या कहानी है, वो ट्रेन तक कैसे पहुंचा। वही बात तो सही कही, वो चलो 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 जल्दी करो। ए जल्दी चलो। अरे हल्क तो बोलता है, टोनी को हल्की उठा के फेंक देता है ट्रेन के ऊपर। अरे भाई तू पागल हो गया क्या, हल्क मुझे मरवाएगा? अगर तेरा निशाना मिस हो गया ना, मैं सीधा ऊपर वाले के पास जाऊंगा। ऑलराइट ट्रेन आ रही है भाई, ट्रेन आ रही है, जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन के इंजन के पास ट्रक लगाओ। अजी बापी, ये बहुत हार्ड है, ये कैसे करें? अरे बाप रे, ये कौन ट्रक चला रहा है भाई? सिंचन क्या कर रहा है तू? अजी बापी, तू आप लोग चला लो ट्रक। अरे मैं ट्रक चलाऊंगा तो मैं ट्रक के ऊपर, ट्रक से ऊपर से कूदूंगा कैसे? ट्रेन पूरी निकल गई। वाह भाई, वाह मेरा कलवा भी गया। हे सिंचन जल्दी से चला अच्छे से ट्रक। ओए सिंचन, ओए तुझे मेरी कसम, ओए तुझे जल्दी से टोनी सर को पहुंचाना ही पड़ेगा ट्रेन के ऊपर, ओए चाहे कुछ भी हो जाए। कम ऑन सिंचन, तू कर सकता है बच्चा, कम ऑन। हां कर रहा हूं, पूरी स्पीड में कर रहा हूं। ये देखिए 50 पे चला गया मैं। चलो चलो टोनी भैया जंप लगाओ। नहीं 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 नहीं, फिर से ट्रेन निकल गई भाई, फिर से ट्रेन निकल गई। मुझे सही टाइम देखना पड़ेगा ट्रेन के ऊपर कूदने के लिए। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, तेरा भाई टोनी तुझे बचाने आ रहा है। वो भाई टोनी यही सही समय, वो लगा दे जंप, थोड़ा और आगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑलराइट गाइस, मुझे लग रहा है यही समय। फ्रैंकलिन तो सुन रहा है गाइस, फ्रैंकलिन तो बेहोश पड़ा है यार। फ्रैंकलिन, अरे बाप रे, फ्रैंकलिन कहीं मर तो नहीं गया? अरे कैसी बातें कर रहा है तू हल्क, हम लोग फ्रैंकलिन को बचा के रहेंगे। वाह वाह बहुत सही सिंचन, बहुत ऐसी बूस्टर ले, ऐसी बूस्टर ले। हम ट्रेन के इंजन के पास पहुंच गए। कम ऑन, बस अब जंप लगा दूं। 1 2 3 ये क्या यार, एक सेकेंड में भाई ट्रेन पूरी गायब हो गई। ट्रेन इतनी तेज क्यों है? हमें तो बुलेट ट्रेन के इंजन पे कूदने वाला था। अरे मुझसे नहीं उठा जा रहा, अवेंजर्स मेरे को बचाओ। अरे बाप रे टोनी भैया, अब हम क्या करें? अरे नहीं, अब हम ट्रेन को कैसे रोकेंगे? अब तो फ्रैंकलिन को ही कुछ करना पड़ेगा ट्रेन की स्पीड कम करने के लिए। भाई मेरे को जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। वाह भाई बकलवा कुछ कर, बकलवा तो यहाँ पे आई नहीं। अरे बाप रे टोनी भैया, उठिए ना प्लीज जल्दी से। हे टोनी भैया, आपको उठना पड़ेगा। अरे हल्क बोलता है, टोनी कुछ तू बोलता क्यों नहीं है? अरे ये टोनी को सांस भी आ रही है नहीं, चेक करो। अरे कसम, अरे टोनी हमें छोड़ के मत जा। अरे बाप रे गाइस, ये क्या हो रहा है? मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। वो ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे ने ऐसा बुरा उठा के पटका मेरे को कि मैं यहीं पड़ा हूं। एक मिनट, मैं कब से बेहोश पड़ा था गाइस, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे वैसे अभी थोड़ी थोड़ी अवेंजर्स की आवाज़ आई थी, क्या मुझे अवेंजर्स गाइस बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखिए। वैसे वो मुझे दिख क्यों नहीं रहे, वो हैं कहाँ पर? प्लीज़ गाइस बताइए यार, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा गला भी बहुत सूख रहा है गाइस। ये ट्रेन की स्पीड जितनी बढ़ती जा रही है, ओह नो 2 बज गए, व्हाट, सुबह के 10 बजे से मैं इस पे फंसा फंसा पड़ा हूँ भाई। मुझे ऑलरेडी यहाँ पर 4 घंटे हो चुके हैं। मुझे भाई सब पानी चाहिए, पानी मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, चाय मिल जाए, खाने के लिए कुछ तो मिले। यार मैंने बर्गर भी सारे ब्लैक फ्रैंकलिन को खिला दिए थे। चलो भाई ट्रेन के पीछे साइड चलते हैं, शायद वहाँ पर मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाए। अरे हेलो, कोई है भाई? अरे ट्रेन में कोई है, मुझे खाने पीने कुछ दे दो, अरे मैं मर जाऊँगा। चलो फ्रैंकलिन तो कर सकता है, कम ऑन, मैं हार नहीं मानूंगा गाइस, हम इस ट्रेन से उतर के ही रहेंगे। अरे बाप रे, एक मिनट गाइस, ये तो रेड हल्क है। अरे भाई रेड हल्क, तेरे पास कुछ खाने पीने को है? यहाँ पर असल में एक बारबेक्यू मशीन रखी थी, वहाँ पे बर्गर रखे थे। अरे वो तो मैंने फेंक दी, बस कॉफ़ी पड़ी है मेरे पास, उसको भी मैं आराम से पीऊँगा। एक मिनट, कॉफ़ी?
रेडल भाई तू तो कुछ पी नहीं रहा है, तुझे जरूरत भी नहीं है। प्लीज ये कॉफी मेरे को दे दे। तू क्या बकवास कर रहा है, मैं तुझे क्यों दूं? चल दे दूंगा, बदले में 1 करोड़ रुपए दे। 1 करोड़ एक कॉफी के लिए? तू पागल हो गया है क्या? गरीब की मदद करनी चाहिए तुझे यार, ऊपर वाला तुझे यहाँ पर दुआएं देगा, तू जो मांगेगा वो देगा। और फ्रैंकलिन, मैं चाहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनना, बोल ऊपर वाला मुझे बनाएगा। गाइस इससे तो मदद मांगने से कोई फायदा नहीं है, मुझे इससे किसी तरीके से छीननी पड़ेगी कॉफी। क्या बोला, कॉफी छीनेगा? ले। अरे बाप रे, नहीं, अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं इस रेडल के बच्चे ने मेरे को ट्रेन पे फांस दिया? और अब मुझे खुद नहीं पता इसमें बुलेट ट्रेन पे कैसे आ गया, लेकिन अब जब आ चुका हूँ तो यहाँ पर किसी को भी मजे नहीं लेने दूंगा। ये कॉफी का कप मेरा है, मेरे पास ही रहेगा। अरे बाप रे, बचा हूँ ये कहाँ पर आ गया मैं, रेडल? गाइस मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मुझे वो कॉफी चाहिए, वरना मैं प्यास से मर जाऊंगा। मेरा गला सूखा पड़ा है, अभी तक समझ नहीं आ रहा अवेंजर्स मुझे बचाने क्यों नहीं आए। अरे वाह, ये तो एक रिमोट कंट्रोल कार है। गाइस लगता है कोई बच्चा यहाँ पर ट्रेन में खेल रहा होगा और शायद उसी की रिमोट कंट्रोल यहाँ पे रह गया है। गाइस इसमें तो एक रिमोट भी रखा है। चलो गाइस इस रिमोट कंट्रोल कार का इस्तेमाल करके रेडल को धक्का दे देते हैं, क्या पता वो ट्रेन से गिर जाए। अगर वो गिर गया तो कॉफी का कप मेरा हो जाएगा और मुझे कॉफी पीने मिल जाएगी, मेरे पेट में कम से कम कुछ तो जाएगा, और हम कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना लेंगे इस ट्रेन से नीचे कूदने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये ट्रेन रुकने वाली है। ऑलराइट दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर इस आराम से रिमोट कंट्रोल कार को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। चल मेरी रिमोट कंट्रोल कार, उस रेडल की बैंड बजाते हैं। उसने यहाँ पर इनकार कैसे किया हमें कॉफी देने से, अब भी बताते हैं गाइस उसकी अच्छी खासी बैंड बजाएंगे। 1 मिनट, अरे ये क्या आ रहा है मेरी तरफ? एक किस बच्चे की रिमोट कंट्रोल कार है ये? दूर रखो ना, अरे मुझे, अरे गिरा रही है, नहीं, अरे मुझे नीचे फेंकने की कोशिश हो रही है। ये ले, कमोन कमोन कमोन, मैं गिरूंगा तो कॉफी का कप भी ले जाऊंगा। नहीं बाप रे, अगर ये कॉफी का कप ले गया तो मैं तो गया। अरे बाप रे, 1 मिनट, कॉफी का कप कहाँ पर है? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी रिमोट कंट्रोल कार, नहीं। ओके मुझे देखना पड़ेगा कॉफी का कप, अरे है, शुक्र है भाई मेरे को इतनी दूर से दिख नहीं रहा था, नहीं तो मुझे तो लगा था कि मैं तो गया। खैर दोस्तों एक काम करते हैं, अब जल्दी से यहाँ पर इस कॉफ़ी कप को उठाते हैं और यहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं। अब जाके फाइनली गाइस थोड़ी सी मेरे पेट को राहत मिली, अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से नीचे उतरने का प्लान बनाना पड़ेगा, बस फिर अपना काम हो जाएगा। लेकिन यार अवेंजर्स कहाँ पर हैं, अभी तक उन्होंने मेरे को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर से मदद लेता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। हेलो, अरे भाई कोई बुलेट ट्रेन में बैठा है? अरे प्लीज़ मेरी मदद कर दो प्लीज़, हमें किसी भी हालत में यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे हम पूरी की पूरी ट्रेन को रोक पाएं। लेकिन हमने हर कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो रहा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना गाइस मैं अपनी आयरन मैन की आर्मी को बुलाऊं। अभी मेरे पास समथिंग 103 या 104 आयरन मैन के मार्क 85 वाले वर्जन है। एक काम करता हूँ, चौबीस, अरे जारविस तो सुन नहीं रहा। एक काम करता हूँ मैं सीधा अपने मार्क 85 को कॉल लगा देता हूँ। हाँ सर, क्या हुआ? मेरी बात सुन मार्क 85, अपने जैसे 103 या जितने 104 जितने भी आयरन मैन के वर्जन है उन सबको लेके मेरी लोकेशन पे पहुँच, तुझे यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रेन के ट्रैक को रोक लेना है, रेल का एक भी जगह खाली ना बच पाए, यहाँ पर जो रेल है उसको हमें रोकना पड़ेगा। ऑलराइट, अब मेरी गाइस मार्क 85 की आर्मी आती होगी, अब देखना भाई हम इस बुलेट ट्रेन के पूरे रेलवे ट्रैक को ही ब्लॉक कर डालेंगे, फिर ये ट्रेन कहाँ पर जाएगी? वाह भाई, अब तो हम कलवे को बचाई लेंगे। लेकिन इससे ट्रेन फटेगी तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे ट्रेन को स्लोली स्लोली स्पीड उसकी कम कराकर उसको रोका जाए तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सही कहा, अरे हल्क भी तुम्हारे साथ है। और वाह, अरे देख तो नहीं तेरी आयरन मैन की आर्मी तो यहाँ पे लग भी गई। भाई साहब देखिए गाइस कितने सारे आयरन मैन के सूट भाई यहाँ पर पूरे रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर लिए हैं। अब कुछ ही मिनट में या फिर सेकंड्स में बुलेट ट्रेन आती होगी और यहाँ पर जैसे ही इन दोनों की टकरार होगी मुझे पक्का यकीन है मेरी आयरन मैन की आर्मी जीत कर रहेगी, क्योंकि मेरे पास सबसे स्पेशल मार्क 85 आयरन मैन के सूट जो ठहरे। और टोनी सर, वाह आपके पास इतनी आर्मी है, एक सूट मुझे भी दे दीजिए। अरे बच्चे बिल्कुल ले लियो, पहले यहाँ पर ट्रेन से टकरार तो हो जाए तब जाके पता चलेगा। गाइस आप लोग प्लीज़ फ्रैंकलिन को बता दो कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की और ट्रेन को रोकने की, प्लीज़, जिससे कि फ्रैंकलिन को थोड़ा जीने का हौसला मिल पाए, बेचारा फ्रैंकलिन तो बहुत ही परेशान होगा। गाइस यार मैं क्या करूँ, कोई भी पैसेंजर मुझे जवाब नहीं दे रहा है, मुझे तो लगता है मेरे अलावा इस ट्रेन पे अब कोई है ही नहीं ना। ट्रेन, 1 मिनट, वो क्या चीज़ है? अरे ये तो आयरन मैन का सूट है, मतलब अवेंजर्स मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या सच में? अगर ऐसा है तो गाइस कमेंट में यस लिखिए। 1 मिनट, हैं ये क्या, ये ट्रेन यहाँ पर इस आयरन मैन के सूट से रुक क्यों नहीं रही है? बट इसकी स्पीड स्लो हो रही है गाइस, देखिए देखिए, और ये मुझे लगता है प्लान काम कर जाएगा। भाई साहब नहीं 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 नहीं, मेरे हिसाब से टोनी ने 60-70 आयरन मैन के सूट रखे थे और भाई साहब वो सब के सब डिस्ट्रॉय कर दिए इस ट्रेन ने। अब ये क्या हो गया भाई,
अरे मेरी पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, ये बुलेट ट्रेन तो मेरी दुश्मन बनती जा रही है। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन को बचा के रहूंगा। फ्रैंकलिन, तू घबरा मत मेरे भाई, मैं तुझे बचा लूंगा। अब तो कोई फायदा नहीं है, अवेंजर्स भी मुझे नहीं बचा सकते। मैं तो कूद जाऊंगा, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं। नहीं फ्रैंकलिन, प्लीज ट्रेन से कूदना मत। इतनी स्पीड में कूदेगा तो भाई तू मर जाएगा, कोई भी गारंटी नहीं है तेरे बचने की। अरे ऐसा मत करियो। गाइस प्लीज फ्रैंकलिन को समझाइए यार, ट्रेन से ना कूदे, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। फ्रैंकलिन रुक जा, मैं कोई प्लान बनाता हूं मेरे भाई, मैं तुझे बचा के रहूंगा। अरे यार ये ट्रेन बहुत फास्ट है, इसके तो करीब रहना भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, हवा से इधर उधर पटक देती है मुझे ये। गाइस मुझे जल्दी अवेंजर्स के पास जाना होगा। अभी तो बेचारे फ्रैंकलिन की पूरी होप ही मिट चुकी है यार, मेरे आयरन मैन के सूट भी कुछ काम नहीं आए, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बोलता हूं हल्क बस्टर की आर्मी का इस्तेमाल करते हैं। हल्क बस्टर का सूट मेरे पास सिर्फ एक है भाई, उससे ज्यादा नहीं है। वैसे हल्क ने कहा कि हल्क बस्टर, कहने का मतलब जायंट, क्यों ना गाइस मैं एक दुनिया का सबसे बड़ा जायंट आयरन मैन का सूट बनाऊं। लेकिन अगर मैं उसको लोहे से बनाऊंगा तो भाई इतना लोहा आयरन स्टील मैं कहां से लाऊंगा। हल्क तू एक काम कर, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर और मुझे दुनिया के सबसे बड़े बड़े पत्थर ला कर दे। मैं इस बार आयरन मैन की जगह भाई रॉक मैन बनाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा जायंट रॉक मैन। हल्क अभी जाता है और बड़े बड़े पत्थर निकाल के लाता है। ये रहे बड़े बड़े पत्थर, ये निकाले हल्क ने एक पत्थर, हाँ हल्क और पत्थर निकालेगा। ऐसे ही करता रहे, हम भाई इस रॉक मैन को दुनिया का सबसे बड़ा जायंट आयरन मैन का सूट बनाएंगे भाई। हम लिटरली में आयरन की बॉडी में पत्थर भरेंगे। अवेंजर्स जल्दी से सारे पत्थर इधर लाके ट्रांसफर करो, मैं इस छोटे से आयरन मैन के सूट को देखो कितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जायंट आयरन मैन का सूट बनाता हूं। फिर देखना वो जायंट आयरन मैन कैसे अपनी ताकत से उस ट्रेन को रोकता है और हम फ्रैंकलिन को बचा के रहेंगे। अरे वाह, तो जल्दी से काम इस्तेमाल कीजिए, फ्रैंकलिन भैया को बचाना ही होगा। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मुझे इसकी मॉडिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी जिससे कि मैं इसको बिल्ड कर पाऊं एक बड़े से हाथी से भी बड़े जायंट आयरन मैन में, तब जाके मजा आएगा। ऑल राइट गाइस, पूरे 2.5 घंटे लगे लेकिन हमने फाइनली पत्थरों से बना हुआ एक जायंट आयरन मैन का सूट बना दिया है और उस पर पेंट भी कर दिया है जिससे कि ऐसा लगे वो एकदम रियल आयरन मैन का जायंट सूट है। अब एक काम करते हैं, इस जायंट आयरन मैन के सूट को हम कमांड देते हैं कि ये ट्रेन के आते ही भाई उससे टकराए, उससे टकरार करे और भाई उसको रोक दे। ऑल राइट गाइस, मैं सूट के अंदर आ गया हूं, अब मैं इसको कमांड कर रहा हूं। वाह, अरे काफी स्मूथली चल रहा है यार ये। ऑलराइट, मुझे लगता है ट्रेन आसपास ही है। एक मिनट गाइस, सामने से ट्रेन आ रही है, चलो हट जाओ एवेंजर्स, मैं जल्दी से ट्रैक पे खड़ा हो जाता हूँ। अब किसी भी समय गाइस हमारी टकरार हो सकती है। ऑलराइट गाइस, वो देखिए, एक मिनट दोस्तों, वो सामने इतनी बड़ी परछाई किस चीज की है? टोनी कुछ कर रहा है क्या? अगर टोनी मुझे बचाने के लिए कुछ कर रहा है, आप लोग प्लीज। अरे भाई साहब, ये तो जायंट आयरन मैन का सूट है, इतना बड़ा सूट कहां से आया? फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, अब देख इस ट्रेन को मैं कैसे रोकता हूं। तू चिंता मत कर, मैंने ट्रेन के आगे खड़े होने की कोशिश की, ट्रेन नहीं रुकी। लेकिन अब तू इस ट्रेन को कैसे रोकेगा? अब मैं इस ट्रेन को डिस्ट्रॉय करूंगा। और तू चिंता मत कर, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया, ट्रेन के अंदर तेरे अलावा कोई नहीं है यहां पर। पहले मैं सोच रहा था इसमें पैसेंजर्स हैं इसलिए ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने से डर था, पर भाई अब इस ट्रेन के पापा को भी मेरे सामने झुकना होगा। ऑलराइट, अब देखिएगा इस कैसे मेरा एक सुपर पंच इस ट्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। ट्रेन तो यहाँ पर लिटरली में भाई पूरी तरह से इधर उधर डिब्बों में बिखर गई। देखिए इसके अलग अलग डब्बे के टुकड़े हो गए भाई, क्या बात है। ओ माय गॉड, मेरी टक्कर की वजह से ट्रेन का इंजन तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ गया। फ्रैंकलिन, अरे फ्रैंकलिन कहाँ पर है? ये क्या हुआ गाइस, एक सौ से धमाका। एक मिनट टोनी, अरे ट्रेन में कोई था तो नहीं? अरे नहीं भाई, मैंने चेक कर लिया था, ट्रेन में ना तो ट्रेन ड्राइवर था ना ही पैसेंजर था, ये खाली डब्बों की ट्रेन चल रही थी, तभी यहाँ पर इस ट्रेन को कोई रोक नहीं रहा था। ओ माय गॉड, मुझे बचा लिया तुम लोगों ने। लेकिन फ्रैंकी भैया, आपको ट्रेन में डाला किसने? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे याद आया, शुरू में मुझे ब्लैक फ्रैंकलिन मिला था, उसने मुझसे बोला था अगर मैं उसको बर्गर ला के दूंगा तो वो मुझे मेरे घर पहुंचा देगा, पर उसने मेरा बेवकूफ बनाया। अरे बाप रे, मेरी ट्रेन को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? वो इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने फ्रैंकलिन को जिंदगी भर के लिए इस ट्रेन पे अटकाए रहने की कसम खाई थी और अब जबकि फ्रैंकलिन छूट गया है, मेरा गुस्सा भी यहाँ पर टूट गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अवेंजर्स, ये सब तुमने किया? अच्छा, तो ये फ्रैंकलिन को फंसाने की चाल ब्लैक फ्रैंकलिन की थी। ओ माय गॉड, टोनी इसको छोड़ना मत। अभी बताता हूँ, मेरे आयरन मैन का सूट, अगर ये ब्लैक फ्रैंकलिन हम पे थोड़ा सा भी हमला करे तो बिना बेशर्मी के और बिना बेदर्दी के इस ब्लैक फ्रैंकलिन बैंड में ना, अच्छा अब तुम्हें एक बॉम्ब में उड़ा दूंगा। अरे हम तो मर जाएंगे। चिंता मत करो भाई, हमारे पास देखो क्या है। अरे ये क्या है? मम्मी मार दिया, मैं वापस आऊंगा, ब्लैक फ्रैंकलिन में ऑफिस आएगा और तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। लेट्स गो भाई। गाइस अभी तक मैंने फ्रैंकलिन को उसका गिफ्ट भी दिखाया। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? गाइस अगर आप चाहते हो मैं फ्रैंकलिन को उसका गिफ्ट दिखाऊं जो शुरू में हम देने वाले थे, तो कमेंट में जल्दी पार्ट 2 लिखिए। बिल्कुल सही कहा, हल्क उसको गिफ्ट देगा, जल्दी से पार्ट 2 लिखिए। और हां, स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगी। थैंक यू सो मच। अरे मेरे को तो बचाओ कोई।